हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एक्शन चैनल। माय नेम इज़ राजेश पासवान और अभी मैंने एक वीडियो करी है जिसमें जो है बताया गया था पूरा कि असम और मिज़ोरम का जो बॉर्डर क्लैश है वो क्यों है, उसकी क्या हिस्ट्री है। तो वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो इससे पहले मैंने उसी वीडियो पर जो है एक्शन लिया है। लिंक आपको इस वीडियो के एंड में जो मिल जाएगा। पर मैंने वो जो वीडियो थी उसमें क्लैशेस के बारे में, मतलब उसमें सिर्फ हिस्ट्री बताई गई है कि क्या हिस्ट्री थी और क्या वजह थी, पर एक्चुअल में क्लैशेस क्या हुई, मतलब कैसे हुई और कितनी जो है कैजुअल्टीज हुई, कितने जवान, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ कि जो पुलिस वालों की भी मतलब वो डेथ हुई है इसमें, तो उसके बारे में उसमें कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन थी नहीं। तो ये वाली वीडियो मुझे एक मिली है तो मैं चाहता हूँ कि आप ये वीडियो देखें मेरे साथ ताकि आप समझ सकें कि कितना गंभीर ये मामला है और दोनों स्टेट्स की लोगों को और वहाँ के जो लीडर्स हैं उनको आपस में मिलके फटाफट से इस डिस्प्यूट को जो है ख़त्म करना चाहिए। चलिए वीडियो को देखते हैं और फिर करेंगे अपनी जो बाकी बातें। और ये वीडियो जो है जी न्यूज़ की है तो हम थोड़ा सा जो है ट्रस्ट इस पर जो है कर सकते हैं कि बहुत बड़ा एक न्यूज़ चैनल है। तो देखते हैं क्या पूरा मामला। नाउ दैट्स ऑल द वीडियो 1 2। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको चिंता में डाल देगी और आज हम शुरुआत इसी चिंताजनक खबर से करेंगे। वैसे तो आज सोमवार है और हमने सोचा था कि हम आज आपको सबसे पहले ओलंपिक खेलों की खबरें दिखाएंगे, लेकिन ये एक और बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले हमारे पास आई है और वो खबर ये है कि उत्तर पूर्वी राज्य असम और मिजोरम की सीमा पर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ है जिसमें असम के 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं और दोनों राज्यों की पुलिस के कई जवान घायल हो गए हैं। नई तस्वीरें अभी अभी हमारे पास आई हैं, आप तस्वीरें देखिए, उससे ही आपको इस खूनी संघर्ष के बारे में अंदाजा हो जाएगा। ये खूनी संघर्ष दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर हुआ है। इससे पहले आपने पुलिस को हमारे देश में अपराधियों और आतंकवादियों से लड़ते हुए देखा होगा, अपराधियों के साथ उनके एनकाउंटर देखे होंगे, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश के दो राज्यों की पुलिस आपस में ही इस तरह भिड़ गई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं और साथ ही देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी इसमें टैग कर रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि अब गृह मंत्री इस मामले को सुलझाएं। सबसे पहले दोपहर को मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने हिंसक झड़प का एक वीडियो ट्वीट किया और इसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह को भी उन्होंने टैग किया, ये उनका ट्वीट है। इसके जवाब में असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी एक ट्वीट किया और कहा कि मिजोरम की पुलिस असम की पुलिस को उसी की जमीन से हटाना चाहती है और अपने इस ट्वीट में उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मिजोरम के कोलासिब के एसपी ने यह धमकी दी है कि ना तो मिजोरम की पुलिस पीछे हटेगी और ना ही वहां के नागरिक, यानी अब इस हिंसा में मिजोरम के नागरिक भी शामिल हो गए हैं। तो ये असम और मिजोरम के बीच का विवाद है जिसमें मिजोरम की पुलिस और मिजोरम के जो लोकल लोग हैं, वहां के नागरिक हैं, वो इसमें शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हमारे ही देश के दो राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। असम और मिजोरम का बॉर्डर लगभग 164 किलोमीटर लंबा है और ये बॉर्डर जो है वो मिजोरम के एजवाल, कोलासिब, मामित और असम के काचर, हेलकांडी और करीमगंज जिलों से होकर गुजरता है। नक्शे पर आप यहाँ देख सकते हैं ये दोनों ही उत्तर पूर्वी राज्य हैं और ये विवाद इसी बॉर्डर के पास मौजूद गुटगुटी गांव के पास तब शुरू हुआ जब मिजोरम की पुलिस ने यहां कुछ अस्थाई कैंप अपने बना लिए। असम की पुलिस का कहना है कि ये कैंप्स उनके राज्य की जमीन पर बनाए गए हैं, जबकि मिजोरम की पुलिस का दावा है कि ये इलाका उनका है, यानी मिजोरम का है, और असम की पुलिस ने उनके इलाके में ये कैंप लगाए हैं।
इसके बाद दोनों राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे पर फायरिंग शुरू कर दी। सोचिए कैसी स्थिति है, हमारे ही देश की दो पुलिस फोर्स आपस में लड़ रही हैं और एक दूसरे पर फायरिंग कर रही हैं, और इस फायरिंग में असम पुलिस के 6 जवान घायल हो गए और सिलचर जिले के SP को भी इस दौरान चोटें आईं। कई गाड़ियां तोड़ दी गईं और इस हिंसा में मिजोरम की तरफ से कई आम नागरिक भी शामिल हो गए। जो लोकल लोग थे वो भी असम की पुलिस के खिलाफ मिजोरम की पुलिस के साथ लड़ने लगे। असम और मिजोरम के बीच ये सीमा विवाद 146 वर्ष पुराना है, यानी आज़ादी से भी पुराना है। वर्ष 1875 में अंग्रेज़ों ने मिजोरम और असम के काचर के बीच सीमा का निर्धारण किया था। तब मिजोरम को लुशाई हिल्स कहा जाता था। पहले उत्तर पूर्व में सिर्फ मणिपुर, त्रिपुरा और असम राज्य ही हुआ करते थे। मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश पहले असम का हिस्सा होते थे, जिसे ग्रेटर असम कहते थे। हालांकि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से तब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहलाते थे, जो ग्रेटर असम से अलग थे, और बाद में यहाँ अलग अलग राज्यों का निर्माण हुआ। इस इलाके में अलग जनजातियों के लोग रहते थे, जिनकी भाषा, संस्कृति और पहचान एक दूसरे से अलग रही, और इसी आधार पर आज़ादी के बाद मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश असम से होकर अलग राज्य बन गए, असम से अलग होकर। लेकिन इन राज्यों के बीच सीमा का निर्धारण आज़ादी के बाद भी विवाद का विषय बना रहा, और सीमा को लेकर आज भी इनके बीच में विवाद है। मिजोरम चाहता है कि असम के साथ उसकी सीमा का निर्धारण 1875 के समझौते के मुताबिक हो। मिजोरम की सरकारों का दावा रहा है कि आज़ादी के बाद हुए सीमा के निर्धारण की वजह से उनके बहुत सारे मिजो भाषा बोलने वाले ज़िले असम का हिस्सा बन गए हैं। 2005 में भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक बाउंड्री कमीशन बनाने के लिए कहा था, ताकि इस विवाद का हल निकाला जा सके, लेकिन अभी तक कुछ खास काम हुआ नहीं। असम में करीब 3,12,00,000 लोग रहते हैं। असम में अलग अलग जातियों के लोग हैं, इनमें बोडो, मिसिंग, सोनोवाल, कचारी, तीवा, अहोम जैसी जातियों के लोग भी हैं, और बंगाली और हिंदी बोलने वाले लोगों की भी वहाँ पर अच्छी खासी संख्या है। मिजोरम की कुल आबादी 12 लाख है, जहाँ ज़्यादातर लोग मिजो जाति के हैं, और इनकी जनसंख्या में हिस्सेदारी 74% है, जबकि इसके बाद प्रमुख चकमा हैं, जिनकी मिजोरम की आबादी में 9% है, और इसके अलावा एक छोटी जनसंख्या बंगाली भाषा बोलने वाले लोगों की भी वहाँ पर रहती है। इस पूरे खूनी संघर्ष में असम पुलिस के 6 जवान मारे गए हैं और दोनों ही राज्यों की पुलिस के कई जवान घायल हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। तो इस समय असम में और मिजोरम में बड़ी विचित्र सी स्थिति है। असम में BJP की सरकार है और मिजोरम में BJP के समर्थन वाली सरकार है, और अब ये दोनों राज्य आमने सामने हैं और दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई है। बहुत ही ये विवाद असल में नया नहीं है, जैसा हमने आपको बताया, ये विवाद बहुत पुराना चला आ रहा है। लेकिन पिछले 2 दिनों में वहाँ पर जो हिंसा हुई है, उस हिंसा के बाद अब ये एक नए रूप में पूरे देश के सामने है, और हम इसे सिर्फ दुर्भाग्य कहेंगे कि हमारी जो पुलिस हैं अलग अलग राज्यों की, हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो अपराधियों से लड़ते अच्छे लगते हैं, वो आतंकवादियों को रोकें, आतंक से लड़ें, वो ठीक है, वो उनकी ड्यूटी है। लेकिन सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि दो राज्य जो भारत के राज्य हैं उनकी पुलिस आपस में ही सीमा विवाद को लेकर लड़ने लगे, और ये ऐसे राज्य हैं जिन पर चीन की हमेशा नज़र बनी रहती है। आज आप सोचिए जो भारत के दुश्मन देश हैं, जो और जो बिल्कुल सीमा पार चीन वहाँ पर बैठा हुआ है, तो चीन के लिए ये कितनी बड़ी खुशखबरी होगी कि भारत में भारत की सुरक्षा बल ही आपस में इस तरह से भिड़ते रहें और एक दूसरे को इसी तरह उनके साथ एनकाउंटर करते रहें, एक दूसरे को मारते रहें। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट
और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है, जिसके पास राज्य की 40 में से 27 सीटें हैं। वहां पर बीजेपी का एक ही विधायक था, लेकिन बीजेपी ने मिलकर गठबंधन बनाकर वहां पर अपनी सरकार बना ली। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार को इस पूरे मामले को सुलझाने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। असम में भी बीजेपी की सरकार है और मिजोरम में बीजेपी की सरकार तो नहीं है, हालांकि बीजेपी एक माइनॉरिटी पार्टनर है, लेकिन फिर भी बीजेपी की जो केंद्र सरकार है वो इसे जल्दी से जल्दी अगर सुलझाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now. ये था भाई, सही में यार पुलिस वालों के चेहरे देख के बड़ा दुख लग रहा है, और ये सोच के ज़्यादा दुख लग रहा है कि एक ही कंट्री में दो स्टेट की पुलिस आपस में लड़ रही है। पुलिस को तो आपस में नहीं लड़ना चाहिए था, सिविलियंस लड़ें फिर भी थोड़ा सा समझ सकते हैं, पर पुलिस वालों को भी आपस में लड़ें ये सही में सही नहीं हुआ। इससे बहुत गलत इमेज मतलब जाती है इंडिया की फॉरन में, और चाइना और जो पाकिस्तान जैसे लोग ये देख के बड़े खुश होंगे, मतलब चाइना और पाकिस्तान जैसी जो कंट्रीज हैं वहाँ की जो गवर्नमेंट्स हैं वो ये देख के बड़ा खुश होंगे कि भाई इंडिया में ये जो प्रॉब्लम हो रही है। मेरा मानना है कि भाई पुलिस को इन्वॉल्व मतलब क्लैशेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, उन्हें आपस में फायरिंग फोरिंग या फिर जो भी उन्होंने किया, क्योंकि 6 पुलिस वालों की डेथ हो गई है, घायल हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो ज़्यादा वायलेंट हुआ होगा जो है वो दोनों सेट की पुलिस के बीच में, जो नहीं होना चाहिए था। तो इसकी पूरी इंक्वायरी बैठनी चाहिए और जो भी रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उस पर एक्शन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मिजोरम से हो चाहे वो असम से हो, क्योंकि इतना बड़ा क्लैश हो गया। ठीक है, मतलब आराम से भी सारा मामला सुलझा सकते थे, पर वॉलेंट के लिए ये जो पूरा वॉलेंस हुआ इसके लिए जो भी जिम्मेवार है, जो भी ऑफिशियल वो मतलब जिम्मेवार है या फिर जिसने भी जो है पहले अटैक किया उस पर एक्शन होना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत सीरियस मामला है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, पता नहीं आगे जाके ये बहुत ज़्यादा जो है बढ़ सकता है, फिर दोनों स्टेट्स की लोग आपस में लड़ सकते हैं, वो मतलब दंगे होने के जो है चांसेस हैं, मामला बहुत ख़राब हो सकता है। तो जिसने भी स्टार्ट किया है इसकी वजह से भी सब हुआ है, उस पर एक्शन होना चाहिए। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट को फटाफट दोनों स्टेट से बात करके फटाफट इसको थोड़ा रिजॉल्व कराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। बाकी जो ये मामला तो बहुत टाइम पहले ही रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, जो कांग्रेस ने ना कुछ नहीं किया यार, सही ध्यान ही नहीं दिया। चलिए कोई ना, आई होप बीजेपी जो है वो फटाफट उसको रिजॉल्व करवाए। भाई क्या हो रहा है, अभी भी इतने सारे डिस्प्यूट है, अभी साउथ में भी है कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट है कर्नाटका और जो है मुंबई के जो है महाराष्ट्र के बीच में भी है, ये सारे स्टेट्स के बीच में जो है वो ख़त्म होने चाहिए। मतलब इंटरनेशनल डिस्प्यूट हो बहुत, चलो ठीक है, बस स्टेट के बीच में है, मतलब इतने सालों से चल रहे हैं अभी तक सॉल्व नहीं हुए, फटाफट सब रिसोर्स सॉल्व होने चाहिए, वरना देश जो तरक्की कैसे करेगा। चलिए ये थी वीडियो, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, बाय।